अस्सलाम वालेकुम, मैं उमरियान हूँ, मैं एक क्वालिफाइड हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे इंस्टा पर और सेपरेट मैसेजेस आ रहे थे कि आपकी जो पाउडर क्लिंजर आप लोगों ने बताया है जेंसन्स का, क्या वो बाल ब्राउन कर देता है, गोल्डन कर देता है, और जो आम क्लिंजर होता है उसका क्या फ़ायदा है, इस पाउडर क्लिंजर का क्या फ़ायदा है, इसकी पैकिंग किस तरह की होती है, और इसके प्राइस क्या होते हैं, और ये कहाँ से ओरिजिनल मिलता है, और इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या फ़ायदा है, पॉलर में ये हिडन क्यों यूज़ किया जाता है, ये क्लिंजर भी तो यूज़ किया जाता है। आज इन तमाम सवालों के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगी ताकि आप लोग घर में एक अच्छी ब्रांड के साथ काम कर सकें अपना, और आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा जी, मैं आपको इसका क्लोज़अप दिखा देती हूँ। जो लोग कह रहे थे हम लोगों ने पिक्चर बनानी है, आप क्लोज दिखाएं, ये देख लें, जेंटल क्लिंजिंग पाउडर के नाम से है, जेंसन्स कंपनी का है और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। ठीक है जी, इसको मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग एलोवेरा में भी यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर आप एम्प्यूल्स भी डाल सकते हो, इसके अंदर टी ट्री ऑयल भी डाल सकते हो, इसके अंदर आप लोग कोई भी विटामिन ई का एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, दूसरे कैरियर ऑयल्स यूज़ नहीं कर सकते, इससे आप लोगों के बाल ब्लीच नहीं होंगे। मैंने स्किन पॉलिश का इसलिए बोला था कि वैसा रिजल्ट आता है, इतनी एकदम आपकी स्किन ब्राइट हो जाती है ना, जैसे आप लोगों ने स्किन पॉलिश करवाई हो, इतना अच्छा इसका रिजल्ट आता है, लेकिन इससे बाल गोल्डन नहीं होते, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। ये पाउडर फॉर्म में होता है, मैंने आपको बताया, इसको हम लोगों ने खुद क्रीमी फॉर्म में बनाना होता है। अगर आप लोग इसके अंदर ड्राई मिल्क मिला लोगे, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, अगर दाने हैं, तो ड्राई मिल्क बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। ठीक है, ऑयली स्किन के ऊपर आप लोग इसका जो टोनर है, आप लोग वो टोनर यूज़ कर लीजिएगा, जेंटसन्स का ही। अगर वो आप लोगों को नहीं मिलता, किसी भी कंपनी का मिलता है, तो आप लोगों ने अल्कोहल फ्री यूज़ करना है, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। ठीक है, और ये है कि आप लोग ये लेकर रख लो, आप लोग इसकी हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा आराम से क्लिंजिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी क्लिंजिंग होती है इससे, और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आप लोगों को पॉलर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हिडन एक पाउडर है, यूँ समझ लें आप लोग, क्योंकि ये तो सबको ही पता है ना कि जेंसन्स का ये वाला ब्राइटनिंग फेस क्लिंजर, हम लोग इसकी क्लिंजिंग करते हैं अपने फेशियल्स में, जब जेंसन्स का कोई करवाने आता है, सिर्फ क्लिंजिंग भी करवाने हैं तो हम लोग ये वाला लिक्विड वाला क्लिंजर यूज़ करते हैं। ये इसकी छोटी पैकिंग है, ये इसकी बड़ी पैकिंग है, तो ये तो एक सबको ही पता है, लेकिन ये वाला तकरीबन मतलब 90% लोगों को नहीं पता, पॉलर्स वालों को पता है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग आता है। इसकी हम लोग एक क्लिंजिंग लाजमी देते हैं। जो लोग कहते हैं हम लोगों ने स्किन पॉलिश नहीं करवानी, हम लोगों को आपने जेंसन्स का फेशियल दे दें, ठीक है, उसके अंदर हम लोग करते हैं। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना हम लोगों ने स्किन पॉलिश नहीं करवानी, मैं समझती हूँ 90% वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि स्किन पॉलिश आपकी स्किन के लिए बेहतर नहीं होती। कुछ लोगों के इस तरह से होता है कि स्किन पॉलिश के बाद उनके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, या फिर एकदम तो आपका फेयर कलर हो जाता है। कुछ स्किन पॉलिशेज ऐसी होती हैं जिसमें वो लोग ब्लीच पाउडर ज़्यादा डालते हैं तो फिर उसके बाद डल कलर हो जाता है। जो लोग समझते हैं कि स्किन पॉलिश से हमारी स्किन ख़राब होती है, ये वही लोग समझते हैं जो थोड़े से उनको अवेयरनेस होती है कि फेशियल का मतलब ये होता है कि आप अपनी स्किन को क्लीन कर लो, क्लियर कर लो, जो आपकी वाइट हेड ब्लैक हेड बन रहे हैं वो ना बने, और आपके अच्छे तरीके से स्किन की एक्सफोलिएशन हो जाए और आपकी स्किन साफ़ हो जाए। जब आपकी स्किन नीट होती है, साफ़ होती है, पिगमेंटेशन नहीं होती, क्लियर होती है, तो आपकी स्किन वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो काफ़ी लोग जो जेंसन्स का फेशियल करवाते हैं ना, 50% से 80% लोग स्किन पॉलिश नहीं करवाते, क्योंकि उनको पता होता है जेंसन्स का फेशियल आपको ग्लो भी देगा, क्लीन भी करेगा, और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी नहीं है, और वो स्किन पॉलिश को पसंद नहीं करते। उनको हम लोग ये पाउडर क्लिंजिंग करते हैं, इससे उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, बाल ब्लीच नहीं होते, ये इसके अंदर ब्लीच नहीं होता, इसके ये स्किन पॉलिश नहीं है, लेकिन इससे ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है, मलाजमा भी ख़त्म हो जाता है, स्किन भी टाइट हो जाती है, स्किन की पिगमेंटेशन भी लाइट हो जाती है। एक्ने के लिए हम लोग, मैंने आपको बताया है, टी ट्री ऑयल डाल देते हैं, एलोवेरा डाल देते हैं, ड्राई मिल्क डाल देते हैं, तो ऑसम रिज़ल्ट आता है। ठीक है, और ये है आम तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं, ये पाउडर फॉर्म में होती है, ये हमें मिलती है क्रीम फॉर्म में, मेरे पास अभी वो नहीं पड़ा हुआ होल्डर जिसके ऊपर मैं मोबाइल ठहराऊँ, तो मैं आपको इसके अंदर ही दिखा देती हूँ, हाथ पे नहीं दिखा सकते। ये देखें, जैसे आम क्रीम होती है ना, ये वैसे ही क्रीम होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई कर देती है, आपकी स्किन को ब्राइट कर देती है, ब्राइट इन अ सेंस के आपकी स्किन जब साफ़ हो जाती है, कोई हार्मफुल इसके इफ़ेक्ट नहीं होते, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ठीक हो गया जी। ये मैंने आपको बता दी, छोटी पैकिंग है, ये बड़ी पैकिंग है। आप लोगों को मेकअप सिटी से ये आराम से मिल जाएगी, अल्फता से मिल जाएगा, डिवॉटसन से मिल जाएगा, शाहीन केमिस्ट से मिल जाएगा, और ऑनलाइन भी जेंसन्स की वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएगा, ठीक हो गया। और प्राइस मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं, और हम लोग वैसे जेंसन्स की कंपनी से ही मंगवाते हैं, मेकअप सिटी से मैं मंगवाती हूँ, तो वो घर ला के देते हैं, और जब आप एकदम उनको पेमेंट करते हो एज ए ब्यूटिशियन, तो वो आपको 10% डिस्काउंट भी देते हैं, ठीक है। आप लोग मेकअप सिटी से कॉन्टैक्ट कर लें, उनका नंबर आपको गूगल से मिल जाएगा, पूरा फेशियल मंगवाना है तो आपको होम डिलीवरी भी दे देते हैं और 10% का डिस्काउंट भी देते हैं। अभी आप दोबारा देख लो, ये क्लिंजिंग पाउडर है और ये क्लिंजिंग मिल्क की तरह से होता है, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा, और कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो एक हर्फ ही सही पढ़ के हदिया कर दीजिएगा, ताकि आखिरत में मुझे कुछ मिल जाए और मुझे खुशी हो, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।